हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं शॉर्टकट फॉर इन्फिनाइट सीरीज। पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो इसके ऊपर बनाया हुआ है, ये थोड़ा डिफरेंट है। आप देख पा रहे होंगे यदि इस तरह का क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछा जाता है तो आप चुटके में इसका आंसर दे सकते हैं, मीन्स विद इन 2 or 3 seconds। ओके, कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपल होगा 7। आप बोलेंगे इतना जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट दिखने में लग रहा है। तो इसका क्या तरीका होता है, तो मैं आपको फॉर्मुलेट करके बताता हूँ कि ऐसे ऐसे हम 5-6 क्वेश्चंस लेंगे, उसका पहले मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा, उसके बाद हम यूजुअल मेथड से भी आपको करके दिखाएंगे। ओके, तो फॉलो मी। थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। जैसे कि ये होता है, इसका वैल्यू होता है आपका 1/2। यदि इसी रूट पर आपका यहाँ 3 होता है अंडर में, तो इसका होता है वैल्यू 1/3। इसी में यदि आपका यहाँ पर अंडर 4 होता है, ये 4 ध्यान रहे बाहर नहीं है, अंडर है, तो इसका आंसर होगा 1/4। इन द सेम वे यदि यहाँ पर 55 है तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल 1/55। ओके, अच्छा, इसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे काम करता है, चलिए पहले उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास इस टाइप का सम्स होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सिंपल होता है, एन स्क्वायर रूट ए इंटू एन रूट ए फिर मल्टीप्लाइड बाय एन। इस तरह का यदि आपको पैटर्न दिखता है तो इसका आंसर होता है सिंपल एन माइनस वन और अंडर रूट ए। तो आप देख पा रहे हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए ये कैसे हुआ। यहाँ पर n था, n माइनस वन हो गया, मतलब एक कम हो गया, और a a a चलता आ रहा था इस पैटर्न में, तो ये यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, इसी बेस पर हम इसको करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे n हमारा 3 है और a हमारा 49 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n माइनस वन मतलब 3 माइनस 1 अंडर रूट 49। ठीक है, इसमें इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2 49। ये स्क्वायर रूट है, ये 2 साइलेंट होता है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा आपका 7। ओके, तो आप ध्यान रखें कि यदि ये है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर 2 साइलेंट होता है, हम इसको लिखते नहीं हैं, बट इट्स ऑलवेज देयर। ओके, जैसे कि आप 5 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव 5, नॉट नेगेटिव 5। इन द सेम वे यहाँ पर 2 ऑलवेज होता है, आप लिखें या ना लिखें, ये अंडरस्टूड होता है। ओके, मैंने एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चंस लिया है, आप फटाफट इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें एक माइनस करते हैं, यहाँ पर 4 है तो हो जाएगा 3, फिर ये 27 कॉपी हो जाएगा जो कि ए के प्लेस पर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 27, जैसा कि मैंने पहले बताया था ये क्यूब रूट है, आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं, और 27 का आप लिख सकते हैं 3 क्यूब, क्योंकि 3 × 3 × 3 होता है 27, और इसके ऊपर पावर है 1/3, और पावर टू द पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 × 1/3 हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल होकर आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, चलिए अब इसका आंसर देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें 2, यहाँ पर 3 है तो 1 लेस हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सिंपल कितना, 2 अंडर रूट 5। इसी को आप चाहें तो सिंपल फॉर्म लिख दें, 5 to the power 1/2। ओके, अब अगला देखते हैं, ये यहाँ पर 2, यहाँ पर n की जगह पर आपका 5 है, तो क्या होता है आंसर में, n-1, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4, और अंडर रूट रहेगा आपका 16 जो कि इन द प्लेस ऑफ a है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 के ऊपर हो जाएगा 1/4। आपको पता होगा 16 को आप 2 to the power 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और उसके ऊपर पावर हो गया 1/4, और 2 to the power 4 × 1/4 इजकल टू हो गया 2 to the power 1 विच इजकल टू सिंपल 2। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन होता है, अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आपको तरीका एक बार पता चल गया तो आप सिंपली इसको ओरली कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ओके, तो है ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब मैं इसका यूजुअल मेथड करके दिखाता हूँ। यूजुअल मेथड के लिए आप इसको x इजकल टू मान लें, ये x इजकल टू पूरा इन्फिनिटिव तक है,
और फिर आप लिखें दोबारा एक्स इजकल टू, आप एक पार्ट इसका कवर कर दें, आप समझे ये नहीं है। तो यदि ये इन्फिनिटिव तक है और तो आगे देखेंगे, यहाँ से आप यदि उठाते हैं आगे तो ये भी आगे इन्फिनिटिव तक है, मतलब ये भी इधर चलता आ रहा है। तो यदि ये पूरा सेट एक्स है, इसका मतलब एक हमने निकाल दिया तो उससे क्या फ़र्क, मेरा कहने का मतलब है समुद्र में आप एक चम्मच पानी डाल दीजिए या फिर निकाल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इन द सेम वे, क्योंकि ये इन्फिनिटिव तक है, अभी एक कवर कर लिया फिर भी ये इन्फिनिटिव तक है, तो पहले ये एक्स था, अभी भी इसको कवर करने के बाद ये भी एक्स ही है, तो ये आपका हो गया एक्स। ओके चलिए, तो एक्स इजकल टू हो गया आपका 49 और इन द प्लेस ऑफ द होल पार्ट एक्स, ठीक है। अब एक्स इजकल टू हो गया आपका 49 एक्स टू द पावर होल क्यूब। ओके तो अब क्या करते हैं हम, दोनों साइड इसका, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है इसको हटाना है, तो सिंपल क्या करते हैं, 49 एक्स टू द पावर आपका है 1/3, तो आप इधर भी 3 पावर डाल दें और इधर भी आप 3 पावर डाल दें दोनों साइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका एक्स क्यूब इजकल टू 1/3 इंटू 3 इजकल टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा आपका 49x। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 1x है, तो ये इससे और इससे कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, मतलब हो गया x स्क्वायर इजकल टू 49, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 49 के ऊपर स्क्वायर रूट, विच इज इजकल टू 49 का स्क्वायर रूट 7। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जानने के लिए मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।